हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। और रिसेंटली आपको एक अपडेट मिला होगा कि 27 जून को जो है डेट शीट नया रिलीज किया गया है। तो जी हाँ, 27 तारीख को रिवाइज टेंटेटिव डेट शीट निकाली गई है। आगे भी जाकर के इसमें रिवीजन हो सकता है, बट इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक दो पेपर्स के होते हैं, इससे आपका पेपर इन्फ्लुएंस होगा ही, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इग्नू, ये तो चेंजेस हुए हैं, इसके कारण से इग्नू के जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं एमकॉम के, उनके लिए क्या क्या चेंजेस हैं और उनको क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 27 जून को यहाँ पे जो है डेट्स चेंज किए गए हैं, रिवाइज किया गया है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले थे बीकॉम सॉरी एमकॉम फर्स्ट ईयर के बारे में, जहाँ पे आपको आईबीओ 5, 2, 3, 6, 4, 1 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे के सारे पेपर्स का डेट्स आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नया डेट्स, पुराना डेट्स, दोनों का दोनों सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इग्नू के एमकॉम के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका एडमिशन जनवरी 2022 से पहले हुआ है, ठीक है ना, 22 के बाद का जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। जिनका ये सारा पेपर्स है उनके लिए जो डेट्स मैंने प्रीवियसली वीडियोस में बताए थे, वो डेट्स में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपका जो एग्जाम है वो 27, 29, 1, 2, 3 और 5 सितंबर को ही होगा, ठीक है ना। तो जहां तक टाइमिंग की बात रही, तो 10 से 1 सुबह 10 से लेकर के दोपहर की 1 बजे तक आपकी ये एग्जाम जो है वो होगी। साथ ही साथ अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं अलॉन्ग विद द ऑनलाइन क्लासेस, आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे, जो कि है 8101065300। आप इस नंबर पे हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द नोट्स। आपको नोट्स के साथ साथ जो है ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। नोट्स में अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो उस चीज को लेकर के फिर हम ऑनलाइन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो नोट्स खरीद सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने नोट्स खरीदा है, मैं आपको भी इनकरेज करना चाहूंगा कि आपके पास अगर प्रिपरेशन के लिए आपको उतना टाइम नहीं मिला है या उतना टाइम नहीं भी है, तो जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने तैयार करे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, आप उनको वॉच कीजिए, आप डेफिनेटली एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ वीडियोस को वॉच कीजिए जो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, उन सारे वीडियोस को भी अगर आप वॉच करते हैं तो भी आपके मार्क्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे आ जाएंगे। पर अगर आप नोट्स को करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट पोर्शन है वो ज्यादा से ज्यादा कवर हो पाएगा, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे आपके मार्क्स उतने अच्छे, मतलब एटलीस्ट 80-90% आने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये डेट शीट आपको दिख रहा होगा, डेट्स आप चाहें तो लिख सकते हैं। 27 अगस्त को आपका आईबीओ 5 का पेपर है, 29 अगस्त को 2 आईबीओ 2 का पेपर है, आईबीओ 3 1st of September, आईबीओ 6 2nd of September, आईबीओ 4 3rd of September और आईबीओ 1 5th of September को आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है डेट्स के बीच में, एक एक दिन का तकरीबन डिफरेंस दिया गया है, और आईबीओ 3, 6 और 4 के बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है ना। बट परेशान होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि 2 महीना भी आपके हाथ में है। ये जुलाई का महीना पूरा और अगस्त में 27 को होगा, मतलब तकरीबन 2 से 2.5 महीने आपके पास क्लियर कट है। आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे आप आराम से अपने मार्क्स एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे ला सकते हो, ठीक है। तो नोट्स लेने के लिए आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8101065300। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।